हेलो व्यूअर्स वेलकम टू लर्नर्स रीजन इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन में स्ट्रक्चर के उपयोग की तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन में हम स्ट्रक्चर को दो प्रकार से यूज कर सकते हैं नंबर वन पासिंग स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट नंबर टू स्ट्रक्चर एज फंक्शन रिटर्न टाइप पासिंग स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में आर्गुमेंट या पैरामीटर के फॉर्म में पास करते हैं इसका सिंटेक्स हम देख सकते हैं इसमें हमने आर्ग्यूमेंट में टाइप लिखा है इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इसमें हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एस टी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में पास किया है अब हम देखते हैं इसका एक कम्प्लीट एग्जाम्पल इसमें हमने स्टूडेंट नेम से एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसमें तीन मेंबर्स एस नेम रोल तथा मार्क्स डिक्लेयर किए फिर हमने एक यूजर डिफाइन फंक्शन डिस्प्ले नेम से बनाया जिसमें हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को आर्गुमेंट की फॉर्म में पास किया इस फंक्शन में हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया फिर मेन फंक्शन में एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसे इनिशियलाइज भी किया और इसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टड वेरिएबल में स्टोर किया फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और इसमें स्टड को पास किया जैसे ये फंक्शन कॉल होगा स्टड में स्टोर डेटा एस वेरिएबल के द्वारा रिसीव होगा और एस टी से हमने सारी वैल्यूज को प्रिंट किया प्रोग्राम को सेव किया कंपाइल किया रन किया इसका आउटपुट हम देख सकते हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो इस प्रकार हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में पास कर सकते हैं अब हम बात करते हैं नंबर टू स्ट्रक्चर एज फंक्शन रिटर्न टाइप की इसमें हम फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर टाइप रखते हैं और फंक्शन की बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा स्ट्रक्चर वेरिएबल को रिटर्न करते हैं जिसे हम सिंटेक्स में देख सकते हैं और एग्जाम्पल में हमने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया जिसका रिटर्न टाइप स्टूडेंट स्ट्रक्चर रखा और फंक्शन बॉडी में हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल एस को रिटर्न किया अब हम देखते हैं इसका एक कंप्लीट एग्जाम्पल इसमें हमने उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई किया इसमें हमने एक फंक्शन बनाया असाइन जिसका रिटर्न टाइप स्टूडेंट स्ट्रक्चर दिया इस फंक्शन में हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टेट डिक्लेयर किया और उसे इनिशलाइज किया और रिटर्न स्टेटमेंट से उसे रिटर्न किया फिर मेन फंक्शन में एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल एस टी किया असाइन फंक्शन को कॉल किया जैसे ही असाइन फंक्शन कॉल होगा स्टड वेरिएबल डिक्लेयर होगा इनिशलाइज होगा और रिटर्न होगा जो कि मेन में एस द्वारा रिसीव होगा और एस के द्वारा हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया प्रोग्राम को सेव किया कंपाइल किया रन किया आउटपुट में हम देख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने असाइन फंक्शन में असाइन की थी उसे फंक्शन के द्वारा रिटर्न करवा कर मेन फंक्शन में उसे प्रिंट किया तो इस प्रकार हम स्ट्रक्चर एज फंक्शन रिटर्न टाइप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए Thanks for watching, till then goodbye.